जय माता दी। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉस्ट जनरेशन। लॉस्ट जनरेशन पर्टिकुलरली हम किसे कहते हैं? तो ये ऐसे ग्रुप ऑफ राइटर्स थे लॉस्ट जनरेशन में, अमेरिकन राइटर्स थे जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में मर्ज हुए थे। दैट मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो इन्होंने डिसइल्यूजमेंट या डिसलोकेशन को फील किया, दैट मीन्स कि इन्हें जो भी कन्फ्यूजन एक्सपीरियंस हुई या फिर उन्हें जो सैडनेस उन्होंने फेस की, तो वो जो थे वो वर्ल्ड को देखने का इनका जो नज़रिया था वो चेंज हो गया। सो ये उसी थीम पे लिखते थे लॉस और इन पे, और जो सोसाइटी थी वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। दैट मीन्स कि ये अमेरिकन एक्सपेक्ट्राइट राइटर्स थे। एक्सपेक्ट्राइट का मतलब है कि ये वो राइटर्स थे जो कि और कहीं पे प्रवासी जिसे कहते हैं, कि मतलब वो नेटिव कंट्री से चले गए थे और वो यूरोप पर्टिकुलरली पेरिस में वहाँ पर जाकर रहने लगे थे, और वहाँ पे वो अपनी जो आर्टिस्टिक फ्रीडम थी वो खोजने की कोशिश कर रहे थे, जो कि अमेरिकन सोसाइटी से बिल्कुल अलग होके, क्योंकि जो भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो उन्हें भुला देना चाहते थे। सो ये सारी जो चीज़ें थी कि वो अपने जो ट्रेडिशनल स्टाइल थी उसको छोड़ के एक न्यू फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेस करना चाहते थे। सो इसीलिए इस जनरेशन को लॉस्ट जनरेशन कहा गया था। सो यहाँ पे जो है कि किस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में खुद को लॉस्ट फील किया या फिर बिट्रेल फील किया, वो चीज़ ही इन्हें डिफरेंट बनाती है, और इन्हीं जो राइटर्स को, वो जो ग्रुप ऑफ राइटर्स था उनको लॉस्ट जनरेशन कहा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि ये जो ड्यूरिंग 1920s ये जो लॉस्ट जनरेशन आई थी, उभर कर आई थी, पॉपुलराइज हुई थी, तो इसमें सबसे पहले तो ये टर्म लॉस्ट जनरेशन जो है ये कॉइन किसने किया था, तो ये टर्म गर्ट्रूड स्टेन ने कॉइन किया था, और उसके बाद में इसे पॉपुलराइज किया था अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। सो उसके बाद में और भी बहुत सारे राइटर्स थे जो कि इसमें शामिल थे, दैट मीन्स लॉस्ट जनरेशन में, और वो उस टाइम के जो डिसइल्यूजमेंट था उनके टाइम का वो एक्सप्रेस करते थे। सो यहाँ पे लॉस्ट जनरेशन में जो भी उन्होंने इस ये सारी चीज़ें, जो सोशल एटमॉस्फेयर, जो उन्होंने जो ट्रेडिशनल सोशल एटमॉस्फेयर था उसे छोड़ते हुए नया किस तरीके से उन्होंने जो चीज़ें एक्सपीरियंस की वर्ल्ड वॉर के बाद में, वो चीज़ें उन्होंने लिखना शुरू किया। सो अगर हम देखें फर्स्ट ऑफ ऑल कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने अपने जो वर्क द सन ऑल्सो राइजेज में जो इस वर्ड को यूज़ किया लॉस्ट जनरेशन को, तो इसे ही मतलब लॉस्ट का मतलब लॉस्ट, डिसओरिएंट, वांडरिंग या फिर डायरेक्शन लेस, दैट मीन्स कि वो राइटर्स जो कि अमेरिका से को छोड़कर पेरिस में रहने के लिए आए थे, और उन्होंने मतलब किस तरीके से चीज़ों को देखा, किस तरीके से खुद को डायरेक्शन लेस और अलोन पाया, तो वो सारे जो थे उन्हें लॉस्ट जनरेशन कहा था। दैट मीन्स उन्होंने अपनी जो चीज़ें थी, खुद को जो डायरेक्शन लेस पाया था उसे लॉस्ट बोला है यहाँ पर। सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि लॉस्ट जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि मतलब क्या क्या चीज़ें थी उस टाइम पे, तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैंने बताया है कि वो जो डायरेक्शन लेस जनरेशन थी, जो वो राइटर्स थे वो एक पर्पज़ की तलाश कर रहे थे, फिर वो अपने जो ट्रेडिशनल आइडिया थे वो रिजेक्ट करते हुए, वो दैट मीन्स कि वो जो ट्रेडिशनल आइडिया थे, बिहेवियर, मॉरेलिटी, जेंडर रोल्स, वो सारे चीज़ों को रिजेक्ट करते हुए, वो जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो वो डिसइल्यूजमेंट को फेस कर रहे थे सोसाइटी में, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो सारी छोड़कर वो एक अलग तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे थे और खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सो लॉस्ट जनरेशन में अगर हम राइटर्स की बात करें, या पोइट्स, राइटर्स कह सकते हैं आप, क्योंकि कुछ ने नॉवेल्स भी लिखे हैं, बहुत अच्छे पोम्स लिखे हैं इन्होंने, तो लॉस्ट जनरेशन राइटर्स की बात करें तो इसमें गर्ट्रूड स्टेन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ये तो आपको ज़रूर याद रखने हैं, साथ ही एज़रा पाउंड, एफ स्कॉट
Fitzgerald एंड टी एस इलियट, जॉन डॉस पैसोस, ये सारे आप ध्यान में रखेंगे, सारे ही इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं लॉस्ट जनरेशन के। अगर हम कुछ वर्क्स की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि अर्नेस्ट हेमिंगवे का वर्क द सन ऑल्सो राइजेज, जिसकी हमने पहले भी बात की है। एफ स्कॉट फिजराल्ड की बात करें तो टेंडर इज द नाइट, ये इम्पोर्टेंट वर्क बनता है लॉस्ट जनरेशन का। एज्रा पाउंड का है इन स्टेशन ऑफ द मेट्रो, एंड टी एस इलियट की बहुत ही फेमस पोम है जो कि आपने देखी हो, दैट मीन्स पढ़ी होगी, द वेस्ट लैंड, जिसमें बहुत सारी चीज़ों से उन्होंने रेफरेंस लिया है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट टू वर्क्स हैं और जो लास्ट ये एज्रा पाउंड एंड टी एस इलियट की जो पोम्स हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सो आप ये लॉस्ट जनरेशन की सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। सो होप you understand it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.